दरभंगा पहुंचे बिहार सरकार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने भागलपुर में गंगा नदी पर निर्माणाधीन पुल का एक बड़ा हिस्सा गिरने पर न सिर्फ चिंता जताई बल्कि निर्माणाधीन पुल गिरने की पूरी जांच सरकार द्वारा कराए जाने की बात कही। बताया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह ड्रीम प्रोजेक्ट था, ऐसे में यह पुल गिरना बेहद दुखद है, बल्कि ऐसे ही ठेकेदार के कारण बिहार की देश दुनिया में बदनामी भी होती है। उन्होंने कहा कि जांच के बाद ठेकेदार के खिलाफ भी कड़ी कार्यवाही की जाएगी। जानकारी के मुताबिक इस पुल की लागत तकरीबन 1710 करोड़ रुपए की थी। इस पुल के बन जाने से खगड़िया सीधे भागलपुर से जुड़ जाता है और रास्ता बेहद सुलभ हो जाता है। ये भागलपुर में बहुत ड्रीम प्रोजेक्ट नीतीश कुमार जी का था, वो पुल बनाना। सुल्तानगंज से जो पुल की शुरुआत हुई वो पूरी उसकी जांच होगी, जो ठेकेदार है उस पर कार्रवाई जरूर होगी, क्योंकि ये पुल तो डिलेड हो गया, सही से बनाना चाहिए। इसके बारे में हमारी सरकार पूरी जांच करेगी और कार्रवाई करेगी। इसकी पूरी जांच होगी, जो भागलपुर ज़िले में ये पुल गिरा है, अगर ये बनकर गिरा होता तो कितना नुकसान होता, और जो ठेकेदार है उसकी पूरी जांच की जाएगी।